फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मलिक अदन व्लॉग्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लेके आऊँ। ट्रिक तो नहीं कहेंगे, खैर हम इसे जुगाड़ ही कहेंगे। और वैसे भी आपको पता ही है पाकिस्तानी जुगाड़ में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, पाकिस्तान का जुगाड़ पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो दोस्तों आज मेरी वीडियो स्पेशल उन लोगों के जिनके पास टच स्क्रीन लैपटॉप्स हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा मसला कर रहे हैं। हमारे मूमेंट होता क्या है कि टच स्क्रीन लैपटॉप हमने लिया तो वो साल डेढ़ साल बिल्कुल सही चला उसका टच, फिर बाद में उसका टच हल्का वो मसला करने लग जाता है और फिर बबल्स आने लग जाते हैं। बबल से काम हमें सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि हम कीबोर्ड से भी अगर माउस से भी लैपटॉप को चला रहे हैं फिर तो हो किसी और जगह पर जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट होता है। अगर हमने एंट्रिंग पासवर्ड भी लगाना है ना तो पहला करेक्टर लिखेंगे फिर दोबारा स्क्रीन पर टच करके फिर दूसरा करेक्टर लिखेंगे, फिर ऐसे बहुत देर लगती है और बहुत ज़्यादा बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं यही मसला हल करने वाला हूँ और बहुत ही अच्छा जुगाड़ ढूंढ कर लाया हूँ, क्योंकि मेरे लैपटॉप के साथ भी ऐसा ही हुआ था। दो तीन दिन हो गए हैं और मैं तकरीबन मोस्टली कोशिश करी जा रहा हूँ और मैंने इस मसले का एक हल ढूँढ लिया। तो दो ऐसे जुगाड़ बताऊँगा जिसे आप फॉलो करके अपने टच स्क्रीन लैपटॉप की स्क्रीन को बेहतर कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को पूरा लाजमी देखें और ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। तो चलते हैं लैपटॉप की तरफ। आखिर में ये बात कहना चाहूँगा कि ये इसका कोई प्रोफेशनल हल नहीं है, ये सिर्फ एक जुगाड़ था कि आप घर में ही इसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।